नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। मित्रों, आज 19 फरवरी का राशिफल प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मेष राशि से कन्या राशि वालों का फल बता चुका था। इस वीडियो में तुला राशि से मीन राशि वालों का फल। तुला राशि, आज आप ऊर्जाशील व आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु क्रोध की अधिकता रहेगी। अहंकार व बातचीत पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आज का दिन आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है आपके लिए। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा। मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश की प्राप्ति होगी। आपके कार्यों की चौतरफा प्रशंसा भी होगी, लेकिन आज आपको अपने रहन सहन में, दिनचर्या में थोड़ा कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। माता जी की सेहत का ध्यान रखें और व्यर्थ ही किसी विवाद में न उलझें। कार्य क्षेत्र से जुड़ी कोई यात्रा आज संभव दिख रही है। शुभता का प्रतिशत रहेगा 85। वृश्चिक राशि, आज का दिन अच्छा रहेगा। आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, लेकिन धैर्य में थोड़ी कमी दिख रही है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे, प्रसन्न मन से हर कार्य को करेंगे। यात्रा के योग हैं जो फायदेमंद रहेगी। आज अपने व जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें। रोजी रोजगार, व्यवसाय, नौकरी आदि के लिए दिन शानदार है। प्रतिष्ठा व सम्मान में वृद्धि होगी। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। किसी पुराने मित्र का आगमन हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि रहेगी। धर्म कर्म में आस्था बढ़ेगी। प्रॉपर्टी, वाहन, घर मकान से संबंधित कार्यों में आज आपको लाभ संभव है। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से ठीक ठाक रहेगा। शुभता का प्रतिशत 85। धनुराशि, आज का दिन भाग दौड़ ज्यादा रहेगी। मन भी थोड़ा आपका शांत रहेगा, इसलिए जरूरत से ज्यादा तनाव लेने से बचें। खर्चे भी थोड़े अधिक होंगे, इसलिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। भविष्य की चिंता करके आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करें। कार्य क्षेत्र वैसे तो सामान्य रूप से अच्छा रहेगा, लेकिन सहकर्मियों व अधिकारियों से मतभेद न बढ़ाएं। वाणी व व्यवहार पर नियंत्रण रखें। प्रेम व्यवहार व सूझबूझ से काम लेने की जरूरत होगी। वैसे आज आपको अपने मित्रों व भाग्य का थोड़ा सहयोग भी प्राप्त होगा, इस वजह से उलझनें थोड़ी कम महसूस होंगी। यात्रा के योग हैं विशेषकर किसी धार्मिक यात्रा के। दाम्पत्य जीवन सामान्य रूप से खुशहाल रहेगा। जीवन साथी की सेहत का थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत होगी। आज शुभता का प्रतिशत है 60। मकर राशि, आज का दिन थोड़ा संभल कर चलने का है। व्यर्थ की भागदौड़, बेवजह की उलझने, मानसिक तनाव और अधिक खर्च से उत्पन्न होने वाला आर्थिक संकट, ये तीनों आपकी सेहत को खराब कर सकते हैं। वाणी व व्यवहार पर आज संतुलन बनाकर चलेंगे तो लाभ होगा। आज जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिख रहा है। दाम्पत्य जीवन की स्थिति भी अच्छी नहीं लग रही। प्रेम व्यवहार समझदारी से काम लेने की जरूरत है। आर्थिक लेन देन व निवेश में सतर्क रहें। आज धार्मिक कार्यकलापों के लिए तो दिन अच्छा है, बेहतर है, इसलिए किसी धार्मिक स्थल में जाएं और आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करें। सेहत का आज थोड़ा ध्यान रखें। शुभता का प्रतिशत है 60। कुंभ राशि, आज आपका मन अशांत रहेगा। व्यस्तता भी कुछ ज्यादा रहेगी। सेहत के प्रति लापरवाही हानि पहुंचा सकती है। अधिक तनाव, वाद विवाद व प्रतिस्पर्धा से बचने की जरूरत है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानियां कम होंगी, आर्थिक कठिनाइयां समाप्त होंगी। आज जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए सतर्कता बनाए रखें। वैसे मित्रों का सहयोग आज आपको लाभान्वित करेगा, आप तनाव में राहत देगा। सहकर्मियों का सहयोगी रवैया आपको लाभ पहुंचाएगा। अधिकारियों की कृपा दृष्टि रहेगी। प्रॉपर्टी व वाहन से जुड़े मामलों में प्रगति होगी। किसी धार्मिक यात्रा के भी प्रबल योग हैं आज। शुभता का प्रतिशत है 75। मीन राशि, आज का दिन रचनात्मक व मनोरंजन कार्यों में बीतेगा। धर्म के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा। शैक्षिक, साहित्यिक, कलात्मक कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक निवेश के लिए दिन अच्छा है। बस आध्यात्मिक तनाव, विवाद व प्रतिस्पर्धा से जहां तक बच पाए बचें। कार्य क्षेत्र प्रबल रहेगा। थोड़ा परिश्रम तो अधिक रहेगा, परंतु परिश्रम का प्रतिफल सुखद होगा। खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें और यात्रा को टाल सके तो बेहतर होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य पर खर्चे बढ़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। आज पुराने मित्रों के संग साथ में मिलना जुलना होगा और किसी आध्यात्मिक गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के भी
योग हैं। शुभता का प्रतिशत है 70। तो मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक जय सियाराम, नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।